नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तर हरियाणा बिजली निगम का बड़ा फैसला, निगम ने पेटीएम से बिल भरने बंद किए। पेटीएम से भरा हुआ बिल अब मान्य नहीं होगा। बिजली निगम ने लोगों से भी अपील की कि पेटीएम से बिल भरने से जितना बेहतर हो सके बचें। आपको बता दें कि अब पेटीएम से भरा हुआ बिल मान्य नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही बिजली निगम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि पेटीएम से बिल बचने से बचे तो बेहतर होगा। उत्तर हरियाणा बिजली निगम ने यह बड़ा फैसला लिया है। निगम ने अब पेटीएम से बिल भरने बंद कर दिए हैं। आपको बता दें कि कई लोग पेटीएम से बिजली के बिल भरते हैं, जिससे बहुत ही सुगम तरीका है। इसके साथ ही वहां पर जाकर बिजली के बिल भरने से भी लोगों को निजात मिलती है। लेकिन यहां अब निगम ने बड़ा फैसला लिया है। अब पेटीएम से भरे हुए बिजली के बिल मान्य नहीं होंगे, उन्हें रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही निगम ने लोगों से अपील की है कि पेटीएम से बिल बचने से भरने से जितना बेहतर हो सके बचे। आपको बता दें कि उत्तर हरियाणा निगम ने यह बड़ा फैसला लिया है। निगम ने अब पेटीएम से बिल भरने पर रोक लगा दी है और इसके साथ ही पेटीएम से भरा हुआ बिल अब मान्य नहीं होगा। बिजली निगम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि पेटीएम से बिजली बिल भरने से बचे। तो उत्तर हरियाणा बिजली निगम का ये बड़ा फैसला, निगम ने पेटीएम से बिल भरने बंद कर दिए हैं। आपको बता दें कि पेटीएम से भरा हुआ बिल अब मान्य नहीं होगा। इसके साथ ही बिजली निगम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि पेटीएम से बिजली बिल भरने से बचे तो बेहतर होगा। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, उत्तर हरियाणा बिजली निगम का ये बड़ा फैसला, बिजली निगम ने पेटीएम से बिल भरने अब बंद कर दिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विपिन परमार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। विपिन, जो फैसला लिया गया है इसकी वजह क्या है और जो अब तक जिन लोगों ने पेटीएम से बिजली के बिल भरे हैं उनके साथ अब क्या होगा? अगर बात करें इस पूरे फैसले की, तो कहीं ना कहीं सरकार की ओर से फैसला लिया गया है। पहले अगर बात करें पेटीएम के माध्यम से जो है कंज्यूमर्स बिल भर सकते थे, लेकिन एकाएक सरकार की ओर से, बिजली विभाग की ओर से फैसला किया गया है कि पेटीएम से जो है अब पेमेंट्स जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी, क्योंकि इसके कई कारण है। सबसे बड़ा कारण ये है कि अपने जो बिजली कंपनियां हैं, चाहे वो यूएचबीएन हो या डीएचबीएन हो, दोनों के अपने अपने पेमेंट पोर्टल्स हैं, उनके माध्यम से जो है, क्योंकि स्मार्ट मीटरिंग का प्रोसेस लगातार चल रहा है, तो ऐसे में स्मार्ट मीटरिंग एप्स जो है उनको इंस्टॉल करने को कंज्यूमर को लगातार मैसेजेस जो है भेजे गए थे, उन्हीं के माध्यम से पेमेंट जो है वो भी करने को कहा गया है। ऐसे में पेटीएम पर जिनकी ओर से जो बिल अदायगी की गई है, ऐसे में साफ तौर पर सरकार का ये निर्देश है कि पेटीएम पर कोई भी बिल जो है मान्य नहीं होगा और पेटीएम से भरा हुआ बिल अगले बिल में जो है वो कट कराएगा, तो इसीलिए पेटीएम के माध्यम से बिल जो है वो ना भरा जाए। विपिन, इसके साथ ही वो लोग जिन्होंने पहले ही पेटीएम से बिल भरे हैं, क्या उनके लिए अब नया नियम लागू किया जाएगा या फिर जो ट्रांजेक्शन हो चुका है उनके अकाउंट से, अब आगे निगम क्या कुछ फैसला लेगा?